अगर आपको एसी फिजिक चाहिए, एसी नहीं एसी, बनी रहेगा। मैं फ्री में एक्सेल शीट देने वाला हूँ, उस एक्सेल शीट से आप अपना डाइट खुद तैयार कर सकते हो। तो चलिए, नमस्कार, मैं शर्मिला, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि मैंने सोचा हम तो इससे पहले मराठी में वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे मेरे वीडियो है मराठी में, कोई कोई वीडियो है जिनको मैंने सब टाइटल हिंदी में डाला है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। पर ये वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाया कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं कि उनको मतलब महाराष्ट्र के बाहर के भी व्यूअर्स हैं, देश के बाहर के भी व्यूअर्स हो सकते हैं, तो उनको मराठी तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो सबको मतलब समझ में आता है, तो मैंने सोचा कि हिंदी में बना लूं। मैंने इससे पहले होम जिम का एक वीडियो डाला है, उसका सबटाइटल हिंदी में है, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर वो वीडियोज़ हैं, आप आसानी से वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, तो प्लीज़ जाकर आप वो भी वीडियो देख लीजिए। तो वो जो वीडियो मैंने बनाया था होम जिम का, उसमें मैंने बताया था कि हम आपको एक्सेल शीट देने वाले हैं, तो इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था। मेरे जो पति हैं उनको जिम करने का बहुत शौक है, तो हमने घर पे ही एक होम जिम बनाया है। तो उस वीडियो में मेरे पति ने कहा था कि वो एक्सेल शीट देने वाले हैं हमें, तो अभी तक तो उन्होंने एक्सेल शीट हमें दिया नहीं है, तो मैंने उनको मतलब पूछा कि आप कब एक्सेल शीट देने वाले हैं, तो मैं आज उनको पूछ लेती हूँ कि वो कब देने वाले हैं। उनको टाइम होगा तो आज भी दे देंगे। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप प्लीज़ कृपया करके समझ लीजिए। आप हमें एक्सेल शीट देने वाले थे, आपने दिया नहीं अभी तक, तो आप कब देंगे वो? वो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपने एक्सेल शीट बोला था, आपने नहीं दिया। जो आप वीडियो बना रहे हैं जो एक्सेल शीट है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा और आपको दे दूंगा, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में अटैच कर लीजिएगा या मेल आईडी अटैच कर लीजिएगा। वो मेल आईडी पे उनको बोलिएगा मेल करने के लिए और हम उन्हें सेंड कर देंगे। हाँ, तो इनका ये कहना है कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे हैं ऐसे कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए। हम जो एक्सेल शीट आपको देने वाले हैं वो फ्री में होगा, आप उससे अपना डाइट चार्ट अपना डाइट प्लान बना सकती है, आप वेट लॉस करिए, आप वेट गेन कीजिए, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसमें हाइट, वेट, आपका एज, आपकी हाइट सेंटीमीटर में डालनी पड़ेगी, तो उसमें आपका इन्होंने सब कुछ उसमें रेडी कर रखा है, आपको खाली आपकी हाइट, वेट और एज डालना है और आपको कितनी कैलोरीज चाहिए वो सब आप डाल के आप बना सकते हैं डाइट चार्ट, तो बहुत आसानी से आपका डाइट चार्ट बन जाएगा और वो भी फ्री में हो जाएगा। फिर आपको बस इतना ही करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ईमेल आईडी पे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और उसके बाद ही हम आपको एक्सेल शीट देने वाले हैं, वो भी फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है और हम जो एक्सेल शीट आपको देने वाले हैं वो भी फ्री में मिलेगा आपको, तो आपका ही फायदा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। ये आपको एक्सेल शीट दे देंगे तो आप आगे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। आप सबका स्वागत है। आज हम जो डाइट के लिए एक्सेल शीट होती है वो हम आज देने वाले हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री है और उसकी उसकी मदद से आप खुद की, आप अपनी फैमिली की या अगर आप ट्रेनर हो तो आप अपनी क्लाइंट की भी डाइट अच्छे से निकाल सकते हो। ये एक्सेल शीट पूरी तरह फ्री है, मुझे ये तैयार करने के लिए 3 महीने लगे एक्सेल शीट तैयार करने के लिए, लेकिन आप उस पर 1 घंटा लगा देते हो
पूरी उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो आप किसी का भी डाइट हो आप निकाल सकते हो। उसमें टोटल 5 शीट्स है। पहला शीट में आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि आपने खुद की जिसके निकालने वाली हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। हाइट, वेट और एज ये डालने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरी शीट में आपकी जो BMR है वो निकल के आएगी और उसके नीचे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए आपको पूरी शीट दी गई है। तो उसमें आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर चूज करके आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हो। यानी आप 2 दिन वीक में 2 दिन या 3 दिन 3 दिन 4 दिन या 5 दिन जैसे भी आप वर्कआउट करने वाले हो उसके हिसाब से आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा। वो उसमें लिखा है वो आप चूज कर सकते हो। उसके वो चूज करने के बाद आपकी मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आएंगी। आपकी जब मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आएगी तब आप अगर फैट लॉस करने वाले हो तो उसमें से आप 500 कैलोरीज या 100 से 500 वो आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो। वो नंबर लेने के बाद आपका जो स्टार्टिंग कैलोरीज है वो निकल के आएगी। उसके हिसाब से आपका प्रोटीन, कार्ब्स और फैट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका रेशियो निकल के आएगा। आपको कितनी लेनी है जो लास्ट डेट है उसमें आप अपनी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स उसकी रेशियो ऑटोमेटिकली निकल के आएगी और वो आप 3, 4 या 5 मील में आप डिवाइड कर सकते हो। मेरा मानना है कि आप 5 मील में डिवाइड करिए क्योंकि वो छोटे छोटे मील होते हैं वो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं 3 घंटे 3-3 घंटे के बाद। तो क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहता है। प्लस के दौरान आपको क्या क्या लेना है वो आगे मैं बताने वाला हूँ लेकिन आप पहले 1-2 दिन तो उस पर काम करिए जो मैंने एक्सेल शीट भेजी। एक्सेल शीट के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है तो आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और उसके बाद लाइक शेयर करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी फ़ायदा होना चाहिए यानी वो अपना खुद का डाइट निकल सके। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डाला है मैसेज डाल दीजिएगा आपको 2 दिन में 1 या 2 दिन में एक्सेल शीट मिल जाएगी। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा क्योंकि उससे आगे हम और भी वीडियो डालने वाले हैं कि डाइट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होगी वो भी हम अगली वीडियो में लेने वाले हैं और जो वर्कआउट है वो भी कैसे करना है वो भी हम बताने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि आप अगर स्किप करते हो तो आपको डाइट बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ऊपर आप देख रहे हैं एक्सेल शीट उसमें पहली शीट है वो क्लाइंट डिटेल्स है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नेम है खुद का डाटा तैयार कर रहे हो तो वहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पे वेट डालना है हाइट सेंटीमीटर में डालनी है वेट केजी में डालना है और आपका एज वो डालना है और प्रोग्राम आप क्या कर रहे हो फैट लॉस या वेट गेन तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये डालने के बाद आप दूसरे शीट पे जाने वाले हैं। दूसरी शीट है मेंटेनेंस कैलोरी इस पे क्लिक करने के बाद आप ये शीट ओपन हो गई। तो इसमें क्या है पहले शीट में लुकअप लगा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका BMR निकल के आएगा। ये BMR यहाँ पे मैं कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ ये निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे मेन और फीमेल इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है ये अभी मैं बता रहा हूँ मेल के लिए। फीमेल के लिए उसका फॉर्मूला अलग है और इसके नीचे मेंटेनेंस कैलोरीज है उसका फॉर्मूला BMR इनटू मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर आप कैसे चूज कर सकते हो। यहाँ नीचे जो है वो मल्टीप्लायर है अगर आप लिटिल और नो एक्सरसाइज यानी थोड़ा आप एक्सरसाइज करने वाले हो 1 दिन के लिए तो ये आपका मल्टीप्लायर रहेगा।
अगर आप एक या तीन बार वीक में कर रहे हो तो ये इसके नीचे वाला 4 से 5 बार आप वीक पर वीक कर रहे हो तो ये इसके नीचे का जो है वो रहेगा। ऐसे करके यहाँ पे मल्टीप्लायर दिए, आप अपने हिसाब से चूज करके मल्टीप्लायर आपकी मेंटेनेंस कैलरीज यहाँ पे निकल के आएगी। और जो थर्ड शीट है कल के ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें जो मेंटेनेंस कैलरीज है हमने पहले शीट में निकाली है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और यहाँ पे स्टार्टिंग कैलरीज लिख की है, ये मेरे लैपटॉप पे थोड़ा सा डॉट आ गया है तो यहाँ पे मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। मेंटेनेंस कैलोरीज -500, यहाँ पे आप 100 to 500, आपको अगर जल्दी से वेट कम करना है तो आप 500 ले सकते हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरीज -500 या आ गई है कैलोरीज, स्टार्टिंग कैलोरीज। तो वही लो कार्ब डे और हाई कार्ब डे पे दोनों वही कैलोरीज रहेंगे, लो कार्ब डे और हाई कार्ब डे के लिए स्टार्टिंग कैलरी सेम रहेगी। इसके नीचे है लो कार्ब डे मैक्रो सेटअप, यानी प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स कितने होने वाले और कितने रहेंगे, ये नीचे सब फॉर्मूला दिया है। हम फैट 20% टोटल कैलरीज के लेंगे, प्रोटीन 50% लेंगे और कार्ब्स जो है वो दोनों यानी 50+20 यानी 70 हो गए, तो कार्ब्स हमारे 30% रहेंगे, 20, 50, 30 ऐसे हमारे रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली निकल के आएंगे। यहाँ पे आपको इसमें कोई कुछ नहीं करना है, फैट निकल के आएंगे कितने ग्राम है, प्रोटीन निकल के आएंगे और कार्ब्स तो निकल के आएंगे। और उसके नीचे हाई कार्ब डे के लिए भी यह फॉर्मूलाज है, वो भी ऑटोमेटिकली निकल के आएंगे, फैट कितना ग्राम लेना है, प्रोटीन कितना लेना है और कार्ब्स कितना ग्राम लेना है, वो ऑटोमेटिकली आएंगे। फिर से वही फैट 20% रहेगा, प्रोटीन डिक्रीज होगा हाई कार्ब डे के दौरान वो 30% होगा, कार्ब्स बढ़ जाएंगे, कार्ब्स 50% होगा। ये हो गया मैं हमारी थर्ड शीट, एक्सेल शीट जो है उसमें से थर्ड शीट हो गई। और जो चौथी शीट है उसमें क्या है, हमने डेटाबेस तैयार किया है, पहले से दिखाता हूँ मैं। हमने डेटाबेस तैयार किया है डाइट में जो हमें चाहिए वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बनाना, उसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, कार्ब्स कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, फाइबर कितना है, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट कितना है, वो पर 100 ग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। पीनट बटर, लो फैट योगर्ट, आलमंड, वे प्रोटीन, ये सब लिखा है। अगर आप जो लेने वाले हैं इंग्रेडिएंट इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, और गूगल पे जाके उसमें पर 100 ग्राम प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स और सैचुरेटेड फैट वो आप निकाल के यहाँ डाल सकते हैं, पर 100 ग्राम डालिए। ये हमारी शीट पर 100 ग्राम की है। तो एक वाइट है वो पर नंबर लिया है, वो 100 ग्राम के हिसाब से नहीं लिया है। और जो लिक्विड फॉर्म में है वो पर ml लिया है। और सीधा जो हमने लिया है कार्ब्स यहाँ पे निकला है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का रेशो, वो डायरेक्टली हमारा जो लो कार्ब डे है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा। पहले शीट जो है वहाँ पे हमने लुकअप लगाया है, प्रोटीन आ जाएगा, यहाँ पे कार्ब्स कितना ग्राम लेना है वो आ जाएगा, फैट कितना लेना है वो भी आ जाएगा। लो कार्ब डे है वो आप 3 दिन रख सकते हैं, उसके बाद एक दिन हाई कार्ब लीजिए और उसके बाद फिर
दो दिन लो कार्ब रखिए और फिर एक हाई कार्ब मिल लीजिए, हाई कार्ब डे रखिए, डे नॉट अ मील। तो यहाँ पे लो कार्ब डे जो है वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए, ब्रेकफास्ट है, स्नैक है, लंच है, स्नैक टू है और डिनर है, जो आपकी टोटल आ जाएगी प्रोटीन कार्ब्स फैट और आने वाले वो आप 5 मील में डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने वो वे प्रोटीन लिया है। अगर आप आपके पास टाइम है और आप प्रोटीन नहीं लेना चाहते तो जो नीचे दिया है ओट्स, इसकी मैं रेसिपी भी करके आपको दिखा दूंगा कैसे करनी है। इसमें मैंने एक वाइट और एक योक लिया है ओट्स के साथ, और ये जो रेजिंस पीनट बटर है वो भी लिया है। वो यहाँ से ऑटोमेटिक आप डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसका रेशो आ जाएगा प्रोटीन कार्ब्स फैट का। एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। तो सिर्फ खाली आपको ओट्स कितना लेना है, पहले आप ओट्स डालिएगा, रेजिंस डालिएगा, रेजिंस यानी मराठी हम बोलते बेदाने, एप्पल, आलमंड्स, मल्टीविटामिन। 5 मील में आप पहले प्रोटीन लीजिएगा। मैंने लो फैट पनीर लिया है, स्नैक टू में चिकन ब्रेस्ट लिया है, डिनर में फिश लिया है, उसके साथ वेजी भी लिया है मैंने, थोड़ा सा घी वेजी यहाँ पे भी लिया है स्नैक टू में चिकन के साथ। आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो आपको क्या लेना है। और अगर आपको नहीं ये सब पता आ गया और लास्ट की सीट आपको नहीं समझ में आ रही तो ऐसे कमेंट भी कर लीजिएगा आप। सो थैंक यू।